हरे कृष्णा एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द एडुवोस। दिस साइड अगेन शुक्ला। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना 26 जनवरी 2024 का द हिंदू का न्यूज़पेपर। ओके, अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए द हिंदू की, ठीक है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस की आपको अगर पीडीएफ चाहिए, तो मेक श्योर आप लोग हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है और जो टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों में से कोई भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर की पीडीएफ एज वेल एज अदर यूपीएससी रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। सो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और मन करे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगे तो, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग अपना जल्दी से टाइम बचाते हुए जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, ओके, फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला जो आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट वाला हो जाता है वो है, पहला ही आर्टिकल है होम पेज पे हमारे, कि जो पावर्टी लेवल्स है बिलो 5%, ठीक है। क्लेम करता है कौन, नीति आयोग के चीफ क्लेम करते हैं ये बात। तो पावर्टी क्या होती है हमारी, गरीबी होती है, ठीक है। गरीबी का दर यानी पावर्टी लेवल हो गया, तो जो गरीबी का दर है इस समय वो कहीं ना कहीं बिलो 5% बताया जा रहा है बाय द नीति आयोग चीफ। अब ये कहाँ से बताया जा रहा है, कल वी कैन से, एक बार देखते हैं इसको। सीईओ ऑफ सेंटर्स थिंक टैंक नीति आयोग को क्या बोला गया है, सेंटर का थिंक टैंक, ठीक है। तो सेंटर के थिंक टैंक के जो सीईओ हैं, एक्स्ट्रापोलेट्स हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, इसके बारे में मैंने कल अच्छे से डिस्कस भी किया था। इसमें गवर्नमेंट ने 11 साल बाद इस पर्टिकुलर सर्वे को कंडक्ट करा है, और उसके बाद उसका जो कहीं ना कहीं की आउटकम है वो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ साझा किया है, ठीक है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग, इस सर्वे होना था, हर 5 साल में होता है वीकेंसी, 2017-18 में होना था ये, लेकिन उस समय जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के चलते ये जो सर्वे है परफॉर्म नहीं करा, मतलब कैरीड आउट नहीं हुआ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसको 11 साल बाद कैरी करवाया है। इस सर्वे में क्या होता है कि जो भी हाउस होल्ड कंजम्पशन है उसके रिगार्डिंग ये सर्वे होता है, और हमको कहीं ना कहीं हाउस होल्ड कंजप्शन में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि जो फूड ग्रेन्स है वो कहीं ना कहीं उनके जो प्राइसेस हैं वो डाउन डिक्रीज हुए हैं, और साथ ही साथ वेरियस गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स चलाई गई हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को फ्रॉम द फूड पॉइंट ऑफ व्यू दिक्कत झेलने को नहीं पड़ी है, ठीक है। हल्का देख लेते हैं इसके बारे में, लेस देन 5%, ओके, हेयर लेस देन 5% ऑफ इंडियंस आर नाउ एक्सपेक्टेड टू बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। 5% इनका मतलब क्या हो रहा है हमारा, हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वीकेंड से 140 करोड़ है, इसका 5% कितना आएगा हमारा, 7 करोड़, यानी भारत में इस समय कहीं ना कहीं 7 करोड़ से कम लोग हैं ऐसे जो कहीं ना कहीं गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, ओके। लेट मी चूज द रेड वन, ओके, दिस इज द रेड, ओके, पिंक ले लेते हैं, ठीक है, चलो अब ठीक है कुछ। अब ये जो पर्टिकुलर डाटा है, मतलब ये जो सीईओ हैं इनका नाम क्या है, बीवीआर सुब्रमण्यम, देख कैसे बता रहे हैं, किसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए ये बात कर रहे हैं ऐसी। तो तथ्य क्या है, वो तथ्य है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे फॉर 2022-2023 ईयर, ओके। रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ ऑल्सो लाइकली बीन ओवर स्टेटेड इन रिसेंट ईयर्स, उन्होंने बताया। डिसमिसिंग द नैरेटिव जो कि है कि रूरल इकोनॉमी जो है इज वीक एंड इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू पीपल, बी वी आर सुब्रमण्यम जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ऑफ द सेंटर थिंक टैंक नीति आयोग, अवर्ड दैट ग्रोथ इज ब्रॉड बेस्ड, ओके, जो ग्रोथ होगी हमारी वो कहीं ना कहीं ब्रॉड बेस्ड है, विद रूरल इंडियन इनकम्स एंड स्पेंड्स राइजिंग फास्टर देन देयर अर्बन पीयर्स, ठीक है। तो जो रूरल इंडियंस है यानी गांव के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो इनकम और उनका जो खर्चा है दोनों कहीं ना कहीं बढ़ रहा है एज कम्पेरिजन टू अर्बन पीयर्स उनके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अभी तक क्या था कि जो कहीं ना कहीं रूरल पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं इंडिया के डेवलपमेंट में वी कैन से इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हल्का वी कैन से डिले कर सकती थी, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, रूरल पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रही है एज कंपेरिजन टू द अर्बन पीयर्स, ओके।
अगली जो बात है कि जो अर्बन रूरल कंजम्पशन डिवाइड हैज़ रो टू 17% इन 2022-2023 फ्रॉम अ पीक ऑफ 19% इन 2004 एंड 5। तो अर्बन रूरल का जो कंजम्पशन डिवाइड है वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी हमको डिक्लाइन देखने को मिलता है। ओके सो जो इनइक्वलिटी है इज़ डिक्लाइनिंग, अर्बन और रूरल में के बीच जो इनइक्वलिटी है वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही है। ओके हैज़ जो रूरल हाउस होल्ड का जो स्पेंडिंग है ऑन फूड हैज़ ड्रॉप्ड बिलो द 50% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके पहली बार ऐसा हमको देखने को ये मिलता है, कहीं ना कहीं लो स्पेंड हमको देखने को मिलते हैं ऑन द पल्सेस एंड द सीरियल्स विच ड्रॉप्ड बिलो 5% ऑफ द पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एज पर द लेटेस्ट सर्वे। ये सर्वे क्या है, SCES हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ये बताता है हमको। ओके एज पर द हाई एंड जो हाइयर एक्सपेंडिचर है ऑन द कन्वेंसेस हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, ये मैं इधर हूँ ठीक है ना, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड द कंज्यूमर सर्विसेज, वो इंडिकेट करता है कि जो पीपुल है आर अर्निंग मोर एंड नीड टू स्पेंड ऑन लेसर शेयर ऑफ देयर इनकम ऑन द फूड। ठीक है फूड पे मतलब लोग पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन फूड पे उतना खर्च नहीं कर रहे हैं। ठीक है कुछ उनका सम पार्टी उनकी इनकम का खर्च हो रहा है फूड पे। ओके मिस्टर सुब्रमण्यम ने बताया कि उसके बाद क्या है, इट्स नॉट दैट कंजम्पशन लेवल्स ऑफ द फूड आर गोइंग डाउन, ऐसा नहीं है कि जो कंजम्पशन लेवल है फूड का वो कहीं ना कहीं घट रहा है, लोग कम खाना खा रहे हैं ऐसा नहीं है। ठीक है कंजम्पशन उतना ही है बट जो रिलेटिव एक्सपेंडिंग स्पेंडिंग है ऑन द फूड वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हमको देखने को मिलता है। वाइल्ड जो कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट्स लाइक सच एस टीवी सेट्स हो गया, फ्रिज हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया एंड कार्स हैव इंक्रीज्ड, ऑफकोर्स वी ऑन लोग इनमें ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। दिस नॉट ओनली मीन्स देयर इज अ चेंज इन इनकम्स फॉर द बेटर, दिस इज नॉट ओनली मीन्स देयर इज अ चेंज इन इनकम्स फॉर अ बेटर बट ऑल्सो चेंज इन द लाइफ स्टाइल ही सर। ठीक है इनकम में जो चेंज हमको देखने को मिला वो तो चलो है, ऑफकोर्स जब GDP बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है लेकिन जो उनके लाइफ स्टाइल में जो चेंज हमको देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं ध्यान देने वाला है। ओके विद इन फूड वी सी द कंजम्पशन ऑफ द बेवरेजेस सच एज वी कैन से फूड प्रोसेस्ड फूड हो गया या फिर मिल्क एंड फ्रूट्स इज गोइंग अप एज इंडिकेशन फॉर मोर डाइवर्स एंड बैलेंस फूड कंजम्पशन, उन्होंने बताया। अब इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 12 पे। ओके ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब ये पता है किससे रिलेट करता है, पॉवर्टी वर्टी की बात, ये किससे हमारी रिलेट करती है, हमारी ये GS 3 इकोनॉमी सेक्शन से रिलेट कर रहा है। ओके और somehow GS 2 से रिलेट कर रहा है, कुछ इसके जो डाटा है हम लोग फैक्ट्स कहीं ना कहीं लगा सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ें तो अगला जो पॉइंट है यह है रिगार्डिंग दिस GS 2। ठीक है उत्तराखंड में वी ऑन लो प्रोटेस्ट हुआ था, जो भी इलीगल ऑक्यूपेशन था बाय द कम्युनिटी उनको कहीं ना कहीं तोड़ा गया था। ठीक है तो उसी के तहत उन्होंने भी कहीं ना कहीं अटैक किया था पत्थर वत्थर से, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं डैमेज प्रॉपर्टी डैमेजेस देखने को मिले हैं इन द प्रोटेस्ट। तो उसी के तहत जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है वो टेबल करेगी बिल को प्रस्तुत करेगी इन द असेंबली टू रिकवर द डैमेजेस जो कि हुए हैं प्रोटेस्ट में। ओके पुष्कर सिंह धामी कौन है, CM है उत्तराखंड के, इज सेट टू इंट्रोड्यूस द उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल ड्यूरिंग द बजट सेशन ऑफ द असेंबली जो कि बिगेन होगा मंडे से। ठीक है मंडे यानी आज वीकेंड से, पेपर आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यानी 26 तारीख को मंडे है और तब ये कहीं ना कहीं बिल को प्रपोज किया जाएगा इन द असेंबली, उसी से जब बजट को प्रपोज किया जाएगा। इस बिल का नाम क्या है, उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल। ओके सिंपल सा नेम है, ये जो बिल है वो प्रोवाइड करेगा फॉर द रिकवरी ऑफ द कॉस्ट ऑफ डैमेज टू द पब्लिक एंड द प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कि ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट एंड द स्ट्राइक्स। ओके फ्रॉम दोज उसमें जो कि इन्वॉल्व है, सिमिलर लॉज हैव बीन इनेक्टेड इन द उत्तर प्रदेश एंड द हरियाणा, ऐसे ही सिमिलर लॉज जो हैं इनेक्ट किए गए हैं, लागू किए गए हैं कौन से दो स्टेट्स में, UP और हरियाणा में। ओके एक सीनियर ऑफिशियल इन्वॉल्व था इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द बिल सेड अ ट्राइब्यूनल जो कि हेडेड बाय द रिटायर्ड जज वुड इन्वेस्टिगेट द चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। ओके
इट वुड हैंडल असेसमेंट्स एंड ऑर्डर्स फॉर द डैमेज रिकवरी आफ्टर डिटेल डिस्कशन विद द एफेक्टेड पार्टीज. ओके, दोज गिल्टी फॉर ऑफ कॉजिंग द रिसॉर्ट्स एंड अदर डिस्टर्बेंसेज विल बी लाइबल टू पे. जो भी मतलब ये पर्टिकुलर रिसॉर्ट्स और डिस्टर्बेंसेज के जिम्मेदार हैं उनको कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा पेंसेशन अंडर दिस बिल. ओके, हल्द्वानी अनरेस्ट में हुआ था. ये जो बिल है इज लाइकली टू बी डिस्कस्ड बाय द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी. ये जो पर्टिकुलर बिल है इसको इसके ऊपर जो चर्चा करेंगे कौन सी कमेटी करेगी, हमारी बिजनेस बी ए सी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इस पर्टिकुलर बिल पे चर्चा करेगी ओवर द नेक्स्ट टू और थ्री डेज. ओके, लेटर इट विल बी टेबल्ड इन द असेंबली. सोर्सेज इन द गवर्नमेंट ने बताया. ठीक है चलो, आफ्टर द बिल इज पास्ड इट विल बी फॉरवर्डेड टू द गवर्नर्स कंसेंट. ऑफ कोर्स वी ऑल नो वेदर इट इज अ सेंटर वेदर इट इज द स्टेट. जब भी कोई बिल असेंबली से पास होता है तो उसको असेंट लेने के लिए कंसेंट लेने के लिए जाना पड़ता है. स्टेट की बात करें तो गवर्नर के पास, सेंटर की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास. ओके, ये जो डिसीजन है टू हैव अ बिल टू रिकवर डैमेजेस ये क्यों हुआ है, केम आफ्टर द वायलेंस जो कि हल्द्वानी हमको देखने को मिला है अर्लियर दिस मंथ विच लेफ्ट एटलीस्ट 5% की उस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में वायलेंस में जान गई थी एंड 100 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे. वायलेंस इंश्यूड आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सिविक बॉडी एज अ पार्ट ऑफ एन एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव डिमोलिश्ड अ मॉस्क्यू एंड मदरसा बिल्ट ऑन द नजूल गवर्नमेंट लैंड. ओके, नजूल का मतलब क्या होता है, अगर उर्दू शब्द नजूल उसका मतलब होता है गवर्नमेंट लैंड के ऊपर जो भी पर्टिकुलर ये मॉस्की और मदरसा बिल्ट होता है उसको डिमोलिश किया गया था पैदा उत्तराखंड गवर्नमेंट, उसी के तहत ये पर्टिकुलर प्रोटेस्ट हो गया था. ठीक है, ये दो आर्टिकल अभी तक हमको इम्पोर्टेंट मिले हैं, इस पर ध्यान देना. आगे बढ़ते हैं हम, इस पेज में यही दो इम्पोर्टेंट है. लेट्स मूव फर्दर. चलो आगे देखते हैं अपन, और तो कुछ इधर इम्पोर्टेंट है नहीं. रेट्स में छत्तीसगढ़ लिंक टू व्हीकल स्कैम नॉट रिलेवेंट है. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके चलो, आयुष्मान भारत प्लान क्या है हमारा, वो तो आप सबको पता ही है. तो जो हमारा कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्होंने अर्ज किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली कौन है, केजरीवाल को, कि वो इंट्रोड्यूस करे आयुष्मान भारत प्लान इन द कैपिटल. ओके, तो मतलब इंडिया में लागू हो चुका है लेकिन कैपिटल में ये अभी तक ये पर्टिकुलर प्लान लागू नहीं हुआ है. लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली के हमारे, यूटी के विनय कुमार सक्सेना है. उन्होंने अर्ज किया है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल टू इंप्लीमेंट द सेंटर्स आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम, ठीक है, एट द अर्लीस्ट अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल. जो सच प्रोग्रेसिव स्टेप्स वुड नॉट एलिवेट द फाइनेंशियल बर्डन ऑन लो इनकम फैमिलीज एंड लैक्स ऑफ माइग्रेंट्स बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ओवर वेलबींग एंड हेल्थ सिक्योरिटी ऑफ द पीपल. ठीक है, ये ऑनलाइन आयुष्मान भारत के तहत बहुत ही अच्छी स्कीम है. इसके तहत हेल्थ एड फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रोवाइड किया जाता है टू द पुअर पीपल्स. ठीक है, तो उसी के तहत जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ है ना, इसको अगर आप लागू करते हो आयुष्मान भारत को, तो ये आपको बर्डन नहीं आएगा बल्कि इससे जो गरीब लोग हैं उनका भलाई होगा और उनकी हेल्थ और प्रॉपर वेलबींग की सिक्योरिटी भी मिलेगी पीपल को. ओके, मिस्टर सक्सेना, चलो ठीक है, ये बात हो गई. चलो आगे बढ़ते हैं अपन, और तो कुछ है नहीं इधर.
इस पेज में भी कुछ नहीं है। हाँ, अगली जो करंट की बात है तो देखा जाए फ्रॉम फ्लड प्लेन्स ऑफ द कावेरी, ठीक है, कावेरी के जो फ्लड प्लेन्स है वहाँ से चल के कश्मीर तक, टू कश्मीर, कर्नाटक की जो स्काईरायर है उन्होंने विन किया 3 गोल्ड इन द गुलमार्ग। ओके, इनका नाम क्या है, भवानी थेकड़ा नंजुदा, ठीक है, ये कहाँ से हैं, ये हमारी आती हैं ये नोपो नापोक्लू विलेज जो कि कर्नाटका कोदगुरु डिस्ट्रिक्ट से है। एक इन्होंने ग्लाइड किया है ओवर द स्नो स्लोप्स द वे फिश टेक टू द वाटर। ये जो एथलीट हैं, बॉर्न इन ए विलेज ओनली 900 मीटर अबव द सी लेवल, वॉन 3 गोल्ड मेडल्स बाय कम्पीटिंग ऑन द स्नो स्लोप्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4,000 मीटर्स इन द खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेयर इन द संडे, ठीक है, संडे को उन्होंने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में 4,000 मीटर की ऊंचाई पे भी कैम से फ्रॉम द सी लेवल कम्पीट किया है इन द स्नो स्लोप्स। ओके, जो लीन गर्न है फ्रॉम द प्लेन्स नियर द कावेरी ऑफ द कर्नाटका, ये बस आप लोग को पता होना चाहिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में 3 गोल्ड मेडल लाने वाली गुलमार्ग की, इन दो गुलमार्ग, क्या नाम है इनका, भवानी थेकड़ा नंजुदा। ओके, इतना याद रखो। विशाखापट्टनम के जो फ्लोटिंग सी ब्रिजेज हैं ये कहीं ना कहीं ओपन हुए हैं फॉर द पब्लिक। फ्लोटिंग सी ब्रिजेज क्या होते हैं, इनको कहीं ना कहीं ज्वाइंट किया जाता है और ये कहीं ना कहीं फ्लोट करते रहते हैं। ओके, यू कैन से टेम्पररी ब्रिजेस हैं ये सब। लेट्स मूव फर्दर। अगली जो बात हमको देखने को मिलती है रिगार्डिंग द फेस्टिवल पॉइंट ऑफ व्यू, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो जो केरला है, ठीक है, साउथर्न स्टेट जो हमारा है, वहाँ पे केरला की जो कैपिटल है जो कि हमारी क्या है, त्रिवनंतपुरम। ओके, उस वहाँ पे मैसिव टर्नआउट हमको देखने को मिलता है ऑफ द डिवोटीज फॉर द अतुकल पोंगल फेस्टिवल। ओके, स्मोक ब्लड ये, ठीक है, इतना ही पता होना चाहिए आपको। अब इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में होता क्या है वो हम देख सकते हैं क्या, नहीं, चलो बस इतना पता होना चाहिए वहाँ पे कहीं ना कहीं डिवोटीज आ रहे हैं। अगली जो बात है वो हो जाती है हमारे लिए फिर से GS1 का एंशियंट इंडिया का सेक्शन है ये, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ टेम्पल्स इन तेलंगाना जो कि शो करते हैं स्प्रेड ऑफ चालुक्य रेन। ये जो पर्टिकुलर फोटो है ये कहाँ की है, मुन्नी मणिक्यम विलेज की ऑफ द तेलंगाना। द डिस्टेंस बिटवीन द मुन्नी मणिक्यम इन द तेलंगाना एंड द बदामी इन द कर्नाटका इज नियरली 500 किलोमीटर, ठीक है, इन दोनों पर्टिकुलर प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस 500 किलोमीटर। बट अ रिसेंट डिस्कवरी जो कि शो करती है विलेज ऑफ द मुद्दी मणिक्यम ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर कृष्णा वॉज द पार्ट ऑफ द किंगडम जो कि रूल किया गया था बाय द बदामी चालुक्य। ओके, आफ्टर लॉन्ग एंड लॉन्ग आफ्टर द डिमाइस ऑफ द किंगडम दैट रूल्ड बाय द प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश जो एरिया कंटिन्यू टू हैव अ थ्राइविंग कम्युनिटी जो कि प्रे करते थे द हिंदू गॉड्स विष्णु एंड शिवा। वाइल जोगुलम्बा टेम्पल्स जो कि हमको देखने को मिलते हैं एट द आलमपुर में जो जोगुलम्बा टेम्पल्स हैं और जो सबमर्ज्ड येल्लवेश्वरम साइट्स हैं वर द फर्देस्ट रीच ऑफ द चालुक्य बदामी किंग्स। ओके, किंगडम ये जो न्यू इन्फॉर्मेशन एक्सपेंड करती है जो हिस्टोरिकल एक्सटेंट है ऑफ द रेल्म, ठीक है, वी ऑल हिस्ट्री में जैसे जैसे डिस्कवरीज होती रहेंगी वैसे वैसे हमारी जो हिस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं और रीडिफाइनिंग मिलती रहेगी, और भी रीडिफाइन होती रहेगी, ट्रांसपेरेंट होती रहेगी, ठीक है। वी डिस्कवर 2 टेम्पल्स ऑन द रिवर बैंक एंड 5 विद इन द विलेज। वी ऑल्सो डिस्कवर्ड एन इंस्क्रिप्शन, एक इंस्क्रिप्शन भी हमको डिस्कवर हुआ है यहाँ पे जो कि डेट करता है टू द रूलर्स ऑफ द बदामी चालुक्य जो कि रूल किए थे बिटवीन द 543 AD टू 750 AD, यानी वी कैन से आज से कुछ 1300 years ago। सेज एम ए श्रीनिवासम जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं
वर्क करते हैं एट द कृष्णा रिवर बेसिन विद द एस अशोक कुमार, जो कि एक पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द हिस्ट्री है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर मैं लोगों के नाम ले रहा हूँ ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बाय द गॉड ग्रेस अगर आप लोग को याद हुआ, आपकी मेहनत हुई, अगर आपको पेपर में ये सभी नाम याद आ जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं लिख सकते हो कि हाँ ये एक पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ये डिस्कवरी की और ये बताया। ठीक है, ये जो टेम्पल है वो शो करता है डेक्कन कॉस्मोपॉलिटेनियज्म, ओके, वेयर देयर इज स्पेस फॉर मोर देन टू रिलीजन्स। ही एक्सप्लेन्स अलॉन्ग विद ब्राह्मणिकल रिलीजन देयर वॉज ए स्पेस फॉर बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राह्मण वी कैन से ब्राह्मणिकल रिलीजन और वी कैन से हिंदू रिलीजन तो था ही, साथ ही साथ यहाँ पे हमको इस स्पेस देखने को मिलता है फॉर द बुद्धिज्म और द जैनिज्म रिलीजन एज वेल। ओके, तो ये कहीं ना कहीं उस समय की डेक्कन कॉस्मोपॉलिटेनिज्म को दिखाता है, दर्शाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये मंथली मैगजीन कवर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों को पता होना चाहिए बस। और अल्टीमेटली हमने चालुक्य बदामी किंगडम के बारे में देखा ही है। ठीक है, इन द एंशियंट हिस्ट्री, लेट्स मूव फर्दर। आगे क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, रीडिस्कवरिंग पैलेस्टीनियन स्टूड एटहुड, नॉट रिलेवेंट है ये, देख लेते हैं एक बार। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और जो अरब स्टेट्स हैं आर पिनिंग देयर होप्स ऑन इजराइल्स गुड सेंस इवन एज ऑल दे स्ट्रगल फॉर द, ये वैसे रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, यार एडिटोरियल तो आज का इतना रिलेवेंट है नहीं, फलस्तीन के बारे में हमको पता ही है, इनकी फाइट हो रही है, इसराइल वर्सेस फलस्तीन हो रहा है गाजा में, गाजा और वेस्ट बैंक ये दोनों कहीं ना कहीं फलस्तीन का ही हिस्सा है ऐसा बताया जाता है। ओके, स्पेंडिंग ऑन द प्रोसेस्ड फूड एंड कम्यूट टू वर्क सर्जेस, प्रोसेस्ड फूड पे लोगों का क्या कहते हैं स्पेंडिंग ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू द नेचुरल फूड्स। ओके, सच एज सेरेलो प्रोसेस, ये पर्टिकुलर ग्राफ दिया हुआ है आप लोग को, न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग ये ग्राफ नोट डाउन कर सकते हो। अगर अर्बन एरिया की हम लोग बात करें तो 1999 से 2000 में जो कंजम्पशन मतलब परसेंटेज इन्वेस्ट किया जाता था इन द सीरियल एंड सब्सिट्यूट्स वो 12% था, वही घट के 4.5% हो गया इन द अर्बन एरिया, रूरल एरिया में ये उतना ही घटने को हमको देखने को मिलता है। वहीं जो वी कैन से प्रोसेस्ड फूड और मिल्क्स हैं उन पे जो पर्टिकुलर खर्चा हो रहा है लोगों का वो भी उसमें भी हमको कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हमको देखने को मिला है वो मतलब डिक्लाइन देखने को मिला एक तरह से। ओके, प्रोसेस्ड फूड सन 2000 में जो कि लोग 6.4% तक का इन्वेस्टमेंट करते थे इन दिस, वही बढ़ के कितना हो गया 10.5% हो गया है। ओके, ये बात है। ओके गाइस, रूरल अर्बन ये ग्राफ है, आप लोग चेकआउट कर लेना। ठीक है, और एग्ज़ाम में आप लोग ऐसे कुछ ग्राफ्स कहीं ना कहीं बना सकते हो जो कहीं ना कहीं हल्का आपको एक एच देंगे फ्रॉम द अदर कॉम्पिटिटर्स। ओके, लेट्स मूव फर्दर। वाई वर सरोगेसी रूल्स मॉडिफाइड, अब सरोगेसी रूल को मॉडिफाई क्यों किया जाए वो ऐसी बात है, तो इसमें हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। जो यूनियन गवर्नमेंट है 21 फरवरी को उसने मॉडिफाई किया है द सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स ऑफ द 2022 टू परमिट मैरिड कपल्स टू यूज डोनर एग्स और डोनर स्पर्म्स फॉर द सरोगेसी, अ मूव जो कि प्रोवाइड करेगा अ बिग रिलीफ टू दोज हु विद मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। ओके, लास्ट ईयर 2023 में एक अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बाय अ वुमेन सफरिंग फ्रॉम मायर रॉकी थैंक्सिंग कुस्टर सिंड्रोम। ठीक है, जो मेडिकल बोर्ड रिकॉर्ड से वो रिफ्लेक्ट करते हैं शी वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस हर एग्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेरीज और अ यूट्रस। ओके, जो रेगुलेटरी चेंज है इज हाउ एवर नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल वुमेन एज इट स्पेसिफाइज दैट अ विडो और अ डाइवोर्स अंडरगोइंग सरोगेसी मस्ट यूज सेल्फ एग्स और द डोनर स्पर्म। अब सबसे बड़ी बात आती है सरोगेसी क्या होती है, ऑफकोर्स आई नो आप लोगों को नहीं पता होगा, और पता भी होगा तो कोई ना एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम। जो यूनियन गवर्नमेंट है ये मॉडिफाई किया
अब ये जो पर्टिकुलर कौन सी वुमेन थी जिन्होंने पर्टिकुलर ये अमेंडमेंट वीकेंड से मतलब रिवोक किया था, इनका नाम था द मॉडिफिकेशन इन द सरोगेसी रूल्स केम मोर देन अ मंथ आफ्टर द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी अप्राइज द सुप्रीम कोर्ट दैट द गवर्नमेंट वॉज कंसिडरिंग चेंजेस इन द अमेंडमेंट ब्रॉट इन द लास्ट ईयर टू अलाउ मैरिड कपल्स टू यूज डोनर गैमेट्स फॉर द सरोगेसी इन द केस. ओके लेट्स मूव फर्दर. अब पता है सरोगेसी होती क्या है? सरोगेसी होती है कि एक मिनट. ओके गाइस, तो ये रही सरोगेसी. सरोगेसी क्या होती है वो हम लोग चेकआउट करते हैं. सरोगेसी जो है इज एन अरेंजमेंट ऑफ एन जो कि सपोर्ट किया गया था बाय सपोर्ट होता है ये जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है इसको सपोर्ट किया जाता है बाय अ लीगल एग्रीमेंट जहाँ पे एक वूमेन जो होती है वो एग्री करती है टू फॉर द डिलीवरी और द लेबर ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर कपल और अ पर्सन. ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं हु विल बिकम द चाइल्ड्स पेरेंट आफ्टर द वर्ल्ड. मतलब जो पर्टिकुलर बर्थ है वो कोई पर्टिकुलर वूमेन देगी लेकिन वो उसकी माँ नहीं रहेगी. ठीक है, वो जिससे एग्रीमेंट कराई रहेगी वो जो पर्टिकुलर कपल रहेंगे वो उसके मम्मी पापा रहेंगे. ठीक है, यानी हाँ, और जो गैमेट होता है वो उन्हीं दोनों कपल्स का रहता है. ओके, पीपल में सीक अ सरोगेसी अरेंजमेंट व्हेन अ कपल और सिंगल वुमेन डू नॉट विश टू कैरी अ प्रेगनेंसी देमसेल्व्स व्हेन प्रेगनेंसी इज मेडिकली इम्पॉसिबल. एक तो केस हो गया कि जो पर्टिकुलर सिंगल वुमेन है ठीक है वो अपने पास अपनी प्रेगनेंसी कैरी आउट नहीं करना चाहते. दूसरा पॉइंट है कि अगर जहाँ पे प्रेगनेंसी जो है मेडिकली पॉसिबल ना हो या फिर वैन जो प्रेगनेंसी के रिस्क हैं आर डेंजरस फॉर द इंटेंडेड मदर. कभी कभी ऐसे केस हो जाते हैं कि अगर वो पर्टिकुलर वुमेन प्रेगनेंट होती है तो कहीं ना कहीं लाइफ का खतरा रहता है. तो ऐसे भी कुछ केसेस आते हैं. और वैन अ सिंगल मैन और अ मेल सेम सेक्स कपल विश टू हैव अ चाइल्ड. ओके, जब सेम सेक्स के कपल जो हैं अगर उनको वीकेंड से बच्चा चाहिए तो कुछ सरोगेसी के तहत वो ऐसा काम कर सकते हैं. आगे देख लेते हैं जो सरोगेसी अरेंजमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है. मॉनेटरी कंपनसेशन मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व. ठीक है, लेकिन रिसीविंग मनी फ्रॉम फॉर द अरेंजमेंट इज़ नोन एज कॉमर्शियल सरोगेसी. अगर कोई पर्टिकुलर वूमेन है वो उसको मनी रिसीव हो रहा है फॉर द अरेंजमेंट इन पर्टिकुलर अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट के लिए उसको मनी रिसीव हो रहा है फ्रॉम दैट कपल्स तो कहीं ना कहीं इसको कमर्शियल सरोगेसी कहा जाता है. जो लीगलिटी है एंड द कॉस्ट ऑफ सरोगेसी वेरी करती है वाइडली बिटवीन द ज्यूरिडिक्शन समटाइम्स रिजल्टिंग इन प्रॉब्लमेटिक इंटरनेशनल और इंटर स्टेट सरोगेसी अरेंजमेंट्स. ओके, कपल सीकिंग अ सरोगेसी अरेंजमेंट इन अ कंट्री वेयर इट इज़ बैंड समटाइम्स ट्रेवल टू अ ज्यूरिडिक्शन जो कि परमिट करता है. इन सम कंट्री सरोगेसी इज लीगल ओनली इफ मनी इज नॉट एक्सचेंज. अगर मनी एक्सचेंज नहीं होता तभी सरोगेसी लीगल है कुछ कंट्रीज में. ओके, मेथड क्या होते हैं ये सब देख सकते हो आप लोग. सरोगेसी में आइदर बी ट्रेडिशनल और द जियो स्टेशनल जहाँ पे विच आर डिफ्रेंशिएटेड बाय द जेनेटिक ओरिजिन ऑफ द एग. जो जेस्टेशनल सरोगेसी है वो टेंड करती है टू बी मोर कॉमन देन द ट्रेडिशनल सरोगेसी एंड इज कंसिडर्ड एज लेस लीगली कॉम्प्लेक्स. ओके, ट्रेडिशनल सरोगेसी में क्या होता है इसको इसका जो दूसरा नाम है वो है एज अ पार्शियल नेचुरल और द स्टेट सरोगेसी इज वन वेयर जो सरोगेट का एग है इज फर्टिलाइज्ड बाय इंटेंडेड फादर और द डोनर स्पर्म. जो सरोगेट है यानी जो पर्टिकुलर वूमेन है जो कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार है उसका जो एग है वो उसको फर्टिलाइज किया जाता है टू द विद द इंटेंडेड फादर फॉर द डोनर स्पर्म. ठीक है, कपल्स में जो फादर बनना चाहेगा ठीक है ऑफकोर्स मेल का जो स्पर्म है उसको कहीं ना कहीं उसके साथ फर्टिलाइज किया जाता है. तो ये तो हो गई हमें ट्रेडिशनल सरोगेसी. जो दूसरा आ जाता है जेस्टेशन सरोगेसी, इसमें क्या होता है ऑल्सो नोन एज हॉर्स्ड और फुल सरोगेसी जहाँ पे इसको जो अचीव किया गया था फर्स्ट टाइम वो किया गया था अप्रैल 1986 में. ये प्लेस टेक प्लेस करती है व्हेन एन एम्ब्रायो क्रिएटेड बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ के तहत एक जो एम्ब्रायो है उसको क्रिएट किया जाता है और उसको इम्प्लांट किया जाता है इन द सरोगेट. यानी जो पर्टिकुलर कपल है मान लो मेल है और फीमेल है मेल का स्पर्म फीमेल का एग इसको कहीं ना कहीं फर्टिलाइज करके एम्ब्रायो क्रिएट किया जाता है बाय द विद द हेल्प ऑफ द आईवीएफ और उसके बाद वो जो एम्ब्रायो है उसको सरोगेट किया जाता है उसको इम्प्लांट किया जाता है इन द पर्टिकुलर सरोगेट पर्सन के अंदर. ठीक है, समटाइम्स कॉल्ड एज जेस्टेशनल कैरियर.
जो जेस्टेशनल सरोगेसी हैज़ सेवरल फॉर्म्स एंड इन ईच फॉर्म द रिजल्टिंग चाइल्ड इज जेनेटिकली अनरिलेटेड टू द सरोगेट। ठीक है, जेनेटिकली वो जो पर्टिकुलर सरोगेट है या पर्सन है जो ये कहीं ना कहीं डिलीवर कर रहे हैं चाइल्ड को, उससे वो जो पर्टिकुलर चाइल्ड है वो रिलेट नहीं करेगा जेनेटिकली। ओके, पहला जो इसका पॉइंट हो जाता है कि जो एम्ब्रायो है इज क्रिएटेड यूजिंग द इंटेंडेड फादर स्पर्म्स एंड इंटेंडेड मदर एग। ये पहला हो गया, इंटेंडेड फादर स्पर्म एंड डोनर का एग। ठीक है, और एम्ब्रायो इज क्रिएटेड यूजिंग द इंटेंडेड मदर्स एग्स एंड द डोनर स्पर्म। और चौथा है ये वाला, तो इसको बाकी आप चाहे पढ़ सकते हो, अपने लिए इम्पोर्टेंट इतना ही हो जाता है इसमें। ठीक है, सो हम लोग चलते हैं अपने न्यूज़पेपर की तरफ। ओके, तो सरोगेसी ये होती है। ये जो फोटो है कितनी अच्छी बनाई गई है, ये कपल है। ठीक है, ये जो कपल है और ये जो पर्टिकुलर चाइल्ड है, ये इस चाइल्ड को वीकेंड से पाला इसने है, डिलीवर इसने किया है, लेकिन ये इसका रियल पेरेंट है नहीं। रियल पेरेंट ये लोग हैं, क्यों? क्योंकि ये एक सरोगेसी के तहत हुआ है ऐसा। ठीक है, ये बात हो गई। चलो आगे देखते हैं हम। कैन आई मी एस एड्रेस द रेड सी क्राइसिस। अब इसके बारे में गिस्ट हम लोग चेकआउट करेंगे बस, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट होगा तो बाद में पता लग जाएगा। जो रेड सी है वो ओ करता है इट्स स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस फॉर द ग्लोबल ट्रेड टू द बेबेल मनाव स्ट्रेट, जो कि लाई करती है बिटवीन द येमेन एंड द तिजी बोती। ठीक है, जो पर्टिकुलर बब एल मदाव स्ट्रेट है वो किसके किसके बीच लाई करती है? येमेन एंड दिजी बोती के बीच में लाई करती है। ओके, और रेड सी का अपना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताओगे जो रेड सी है किन किन कंट्रीज के साथ बाउंड्री टच करती है। इंडिया का जो ट्रेड इंडिया ट्रेड विद यूरोपियन एंड द नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज फ्लोज एंटायरली थ्रू द रेड सी। ठीक है, इंडिया का जो ट्रेड है वो विद यूरोपियन और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज और डायरेक्टली थ्रू द रेड सी फ्लो करता है, विच इज़ ऑलमोस्ट 24% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट एंड 14% ऑफ इट्स इम्पोर्ट। जो तीसरा पॉइंट है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC विच वॉज अनाउंसड ड्यूरिंग द G20 समिट इन 2023 इज एस्टिमेटेड टू कट द जनरी टाइम फ्रॉम इंडिया टू यूरोप बाई 40% / ट्रांजिट कॉस्ट बाई 30%। तो पर्टिकुलर जो टाइम लगता है, मान लो जाने में इधर 100 मिनट लगते हैं, ठीक है, अगर रेड सी के रूट लेकर चले तो, वहीं जब IMEC कॉरिडोर बन जाएगा यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वो जो पर्टिकुलर टाइम है वो घट के कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 60 मिनट। 40% का जो टाइम है उसमें हमको रिडक्शन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो पर्टिकुलर कॉस्ट है वो भी उसमें भी हमको 30% की गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, वॉट अबाउट द IMEC है क्या? IMEC है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि अनाउंस किया गया था ड्यूरिंग द G20 समिट इन 2023। ये क्या है? इज अनदर अल्टरनेटिव विच इज़ नॉट रिसीविंग मच अटेंशन। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट अपार्ट फ्रॉम द MOUs देर हैव नॉट बीन एनी इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशन रिगार्डिंग द कॉरिडोर। अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्वेस्टमेंट या ऑपरेशन इस पर हुए नहीं है, तो इसलिए इतना चर्चा में नहीं है। फर्दर अमोर जो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट हैज़ पुट अ पॉज ऑन द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द अरब इसराइल रिलेशन विच इज़ अ की एलिमेंट ऑफ द मल्टी नेशन इनिशिएटिव। ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है IMEC कॉरिडोर, एक मल्टी नेशन इनिशिएटिव है अरब और इसराइल के। इसराइल क्या है? वीकेंस है, एक तरह से यूरोप में ही आता है, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये दोनों जो कंट्रीज है कहीं ना कहीं की एलिमेंट हो जाते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर मिशन। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, समझ में आई ना बात? मतलब अरब हमारा UAE ये सब हो गया, ठीक है, और इसराइल, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ही चल रहा है। ठीक है, तो उसी की वजह से ये जो पर्टिकुलर IMEC कॉरिडोर है इस पर कहीं ना कहीं हल्का भी रोक लगा हुआ है। ठीक है, ये पर्टिकुलर काम अभी हो नहीं रहा, इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही, इसीलिए इतना चर्चे में नहीं है। ठीक है, अब हाउ कैन IMEC बी मेड वायबल? ये वायबल क्यों है? क्योंकि वो बता ही दिया मैंने, 40% का आपको टाइम में कटौती देखने को मिलेगी, 30% जो पर्टिकुलर कॉस्ट है उसमें। ठीक है, सॉरी वेट अ मिनट गाइस, ओके, तो ये हो गई बात IMEC के बारे में।
वाई इज़ द रेड सी रूट इम्पोर्टेंट? रेड सी रूट इम्पोर्टेंट क्योंकि इसको भी अगर देख लें हम लोग, जो ये मैंने बता दिया आपको, फॉर द ग्लोबल ट्रेड टू द बल एल मंदब स्ट्रेट, ठीक है, जो कि लाइक करते हैं बिटवीन यमन एंड दिजबोत। आप लोग मैप में इसको लोकेट करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे रेड सी किन किन कंट्रीज से अपनी बाउंड्री टच करती है, शेयर करती है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट कार्गो जो एंड ऑयल ट्रांसिट पॉइंट्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट 12% इंटरनेशनल मर्चेंडाइज ट्रेड जो होती है वो पास होती है थ्रू दिस पर्टिकुलर रेड सी, ठीक है। जो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रेड सी कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन द मेजर कंटेनर कंटेनर एंड और कैरियर्स हैव बीन फोर्स टू री रूट शिपमेंट्स वाया द केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप यानी जो हमारा अमेरिका है उसके तहत से ये जा रही है, ठीक है, रेड सी यहाँ से ये पर्टिकुलर ट्रांसलेट होता है। लेकिन यहाँ पे अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी वजह से जो पर्टिकुलर वेरियस यूरोपियन कंट्रीज हैं वो केप ऑफ गुड होप का रूट लेके चल रही हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट, ओके, फॉर द ट्रेड। Rerouting has led to rising ocean freight, inflated insurance cost and longer voyage times leading to the delays and the shortage of the products. It has also driven up transportation cost. जो higher shipping cost है will be passed on to the consumers in the form of increased commodity price. Of course, जब किसी भी चीज़ का cost बढ़ रहा है ठीक है तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो शिकार बनता है कौन बनता है, कंज्यूमर बनता है, ठीक है। अल्टीमेटली जो उसको कॉस्ट है उस पर्टिकुलर चीज़ कीमत है वो अगर बढ़ी है तो सिर्फ कंज्यूमर ही उसको कहीं ना कहीं पे करता है अल्टीमेटली, ठीक है। ये तो इम्पॉर्टेंट हो गया, आगे कुछ है नहीं वैसा। डिक्लाइनिंग फूड स्पेंड्स लाइकली टू टर्न स्पॉटलाइट ऑन डेवलपमेंट, ठीक है। जो सेंटर है वो लाइकली टू वेट फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द फ्रेश हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो कि बिगेन हुआ 2023 में एंड विल बी कंप्लीटेड इन जुलाई बिफोर द परस्यूइंग ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रीसेट। इट विल शो 2022-23 सर्वे फाइंडिंग्स एंड रोबस्ट, ओके। और तो कुछ है नहीं इसमें इंपॉर्टेंट वैसा, सॉरी। ये तो उत्तराखंड के बारे में मैंने आप लोग से बता ही दिया, इसमें उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है पर्टिकुलर वो पर्टिकुलर बिल पेश करेगी। लेट्स मूव फर्दर। हाँ, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो देखा जाए अगर प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने लॉन्च किया है एहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शन, मोदी ने लॉन्च किया है 48,100 करोड़ का प्रोजेक्ट, ठीक है। इन द फोटो हम लोग देख सकते हैं सुदर्शन सेतु को, ये रहा सुदर्शन सेतु, ठीक है। इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज जो कि कनेक्ट करेगा, दैट विल कनेक्ट ओखा मेनलैंड एंड द बेत द्वारका आइसलैंड इन द गुजरात, ठीक है। इन दो प्लेसेस को कनेक्ट करेगा, ओखा मेनलैंड एंड बेत द्वारका आइलैंड को इन द गुजरात इसको कनेक्ट करेगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने मोदी ने इनॉग्रेट किया है ब्रिज को ऑन द संडे, ओके। लॉन्च किया है प्रोजेक्ट वर्थ 48,100 करोड़, ओके। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा देख लेते हैं एक बार। 5 एम्स के मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे इन द 5 स्टेट्स एंड इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज एट द्वारका गुजरात, वो तो हो ही चुका। और क्या है इसमें, मोदी जी की जो ट्रिप है टू द गुजरात फॉलोड बाय द विजिट ऑफ द पास्ट पैटर्न्स ऑफ द विकास एंड विकास और विरासत डेवलपमेंट एंड हेरिटेज। ही हैड अर्लियर इन द डे इनॉग्रेटेड द सुदर्शन सेतु, इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है जो कि इसकी जो लेंथ है वो है 2.3 किलोमीटर, लिंक करता है ओखा मेनलैंड टू द बेत द्वारका बिल्ट। इसकी जो कॉस्ट है, लागत आई है इसको बनाने में, वो आई है 980 करोड़, यानी वी कैन से 1,000 करोड़ में पूरा बन के तैयार हुआ है। आफ्टर ऑफरिंग प्रेयर्स एट द द्वारकाधीश टेम्पल ही ऑल्सो वेंट अंडर वाटर इन द अरेबियन सी। ऑफकोर्स गुजरात हमारा ये रहा, कैसे बनाऊँ मैं आपको बताऊँ, ये गुजरात है तो यहाँ पे हमको अरेबियन सी देखने को मिलता है, ठीक है ना। और इन द अरेबियन सी टू पे ओबियंस एट द समोस्ट रिमेन्स ऑफ द ओल्ड द्वारका विच ही रिफर्ड टू इन द स्पीच, ओके। अब एक स्पीच भी देख लेते हैं हम लोग, जितना पढ़ोगे उतना ज्ञान आएगा, ठीक है। इन दोज डेप्थ्स आई वॉज वंडरिंग अबाउट द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, वैन आई केम आउट आई वॉज कैरिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ द भगवान कृष्ण एज वेल एज इंस्पिरेशन ऑफ द द्वारिका। दिस गेव न्यू स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू माई रिजोल्यूशन ऑफ विकास और विरासत।
ये तो हो गई हमारी मोदी जी की पेट्रोल प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग। 48,100 करोड़ का जो प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया है वो 5 एम्स बनेंगे। कहाँ कहाँ बनेंगे बार देख लेते हैं। पंजाब में बनेंगे, भटिंडा पंजाब, रायबरेली उत्तर प्रदेश, कल्याणी वेस्ट बंगाल एंड मनगलरी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कुछ ऐसी जगह जहाँ पे बनेगा। और राजकोट गुजरात में, गुजरात पंजाब आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल और यूपी। ठीक है, यहाँ 5 जगह पे एम्स का, एम्स को बनाया जाएगा। चलो अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। और तो कुछ है नहीं इसमें। रेलवे ब्रिंक्स डाउन द कर्टेन ऑन द पैसेंजर ट्रेन्स। जो पैसेंजर ट्रेन्स है उस पर जो कर्टेन्स है उनको कहने के रेलवे ब्रिंक डाउन करेगी। दे हैव बीन रीडेजिग्नेटेड एज एक्सप्रेस स्पेशल। चलो ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं यार अपने लिए। और अब देखो ये गजब केस आ गया अपने सामने। एक ट्रेन है, साइड ट्रेन है, उसने ट्रेवल किया 70 किलोमीटर विदाउट लोको पायलट। प्रोब ऑर्डर हुआ है। ठीक है, कुछ भी हो सकता था यार, एक्सीडेंट बहुत बड़ा हो सकता था। बिना ड्राइवर के पेट्रोल ट्रेन चले जा रही 70 किलोमीटर चल गई, बताओ। जो इंडियन रेलवे ऑन संडे उसने ऑर्डर किया एक प्रोब आफ्टर अ फ्रेट ट्रेन उसने ट्रेवल किया 70 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम कथुआ इन द जम्मू एंड कश्मीर टू द होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब विदाउट इट्स लोको पायलट। एन ऑफिशियल ने बताया 53 वैगन डीजल लोकोमोटिव ट्रेन पुल्ड अवे फ्रॉम द कथुआ स्टेशन विदाउट इट्स लोको पायलट। एन इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर्ड इनटू द इंसिडेंट जो कि टुक प्लेस हुआ एट द 7:30 से 9 के बीच में। द डिविजनल ट्रैफिक मैनेजर है सेड इन ए स्टेटमेंट ट्रेन कॉज्ड अ स्केयर बट ऑफिशियल सेड नो कैजुअलिटी और डैमेज टू प्रॉपर्टी वॉज रिपोर्टेड। है कुछ भी हो सकता था यार, बिना ड्राइवर चल रही है, कुछ भी हो सकता था लिटरली। ठीक है, तो इसके बाद ये है प्राइमरली जो रिपोर्ट है उसके बारे में ये देख सकते हो आप लोग। और जो वुडन ब्लॉक यूज हुआ है इसमें वो भी देख सकते हो। जो ट्रेन है, ट्रेन वॉज ब्रॉट टू अ हेल्थ बाय रेलवे स्टाफ हु प्लेस्ड वुडन ब्लॉक्स ऑन द ट्रैक्स विच लेड टू द ट्रेन लूजिंग स्पीड। वेदर द ट्रेन हैड बीन सिक्योर्ड प्रॉपरली एट कथुआ। ये ठीक है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP जलंधर सब इंस्पेक्टर सुकमा ये सब छोड़ो, बस आप लोग पता होना चाहिए कि इंसिडेंट ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब IGNCAS ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज एटलेस है वो शाइन करेगी, शाइन अ लाइट ऑन इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अब ये है क्या? IGNCA इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर कल्चर मिनिस्ट्री। कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर IGNCA ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, ऑटोनोमस यानी सेल्फ रिलायंट। इसका फुल फॉर्म क्या है? अ प्रपोज्ड लिंग्विस्टिक सर्वे अक्रॉस द कंट्री बाय द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। ठीक है, IGNCA का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, जो कि एम करता है टू इन्यूमरेट हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन विच स्टेट्स एंड रीजन्स कैन प्रोवाइड द आंसर। ठीक है, तो पर्टिकुलर इसने सर्वे करवाया रिगार्डिंग द लैंग्वेजेस की हाउ मैनी लैंग्वेजेस जो है हमारे देश में हमारे वेरियस स्टेट्स में रीजन्स में बोली जाती हैं। जो IGNCA है इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इंडिया जो है रिकॉग्नाइज करता है 22 लैंग्वेज को ऑफिशियली, विच आर जो पर्टिकुलर 22 लैंग्वेज हैं ऑफिशियली जो इंडिया रिकॉग्नाइज करता है वो है पार्ट है हमारे शेड्यूल 8 का ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू द सेंसिस 97% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है वो स्पीक करती है वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। देयर आर मतलब 97% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो इन 22 लैंग्वेज में से कोई ना कोई कोई एक लैंग्वेज तो बोलती ही है। ठीक है, देयर आर एन एडिशनल 99 नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इंक्लूड हुए हैं इन द सेंसिस। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अराउंड 37.8 मिलियन पीपल आइडेंटिफाई वन ऑफ दिस नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस एज देयर मदर टंग। ठीक है, तो 37 मिलियन यानी 3,78,00,000 लोग ऐसे हैं जो इन 99 नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस में से किसी ना किसी एक लैंग्वेज को अपना मदर टंग मानते हैं। ये कुछ बात हो गई इसके बारे में। अब लैंग्वेज सर्वे किसने करवाया? अभी IGNCA इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इसने सर्वे ये पर्टिकुलर करवाया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल, इतना इंपॉर्टेंट था इधर। अगला क्या है? लेसन्स टू लर्न फ्रॉम द वेल्दीएस्ट मैन द बेबी लॉन। ओके चलो ये रिलेवेंट नहीं है। ओके, वर्ल्ड में अगर हम देखें तो है कुछ नहीं वैसा।
कल वी ऑल नो यूक्रेन ने अपना सेकेंड एनिवर्सरी मनाया था ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, उसी के तहत उन्होंने जलेक्सी में बताया ये कुछ हुआ है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, मरियम नवाज उन्होंने फाइल किया नॉमिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द पंजाब सीएम, ओके ओ माय गॉड, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स सेक्शन कुछ है नहीं, सो आज की वीडियो में इतना ही था क्या यार। थ्री प्लैनेट्स अदर देन द अर्थ फीचर्ड इन क्रिस्टोफर नोलन्स एपिक फिल्म इंटरस्टेलर, ओके ओके ओके। ये रहा हमारा गाइस, जो अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है रिगार्डिंग द साइंस एंड टेक पार्ट, ठीक है, जो कि हमारे GS3 में आता है और प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, अहेड ऑफ द गगनयान इसरो का जो CE-20 इंजन है वो ऑलरेडी हैज़ अ नोटेबल लेगेसी, ठीक है। गिस्ट हम लोग सिर्फ चेकआउट करेंगे जब ये पर्दे पर फॉर्म जाएगा, तो इसके बारे में अच्छे से देखेंगे। गिस्ट क्या है, जो CE-20 पावर्स द LVM, ठीक है, लॉन्चिंग LVM का फॉर्म कोई क्या था यार, मैं भूल गया ऐसे, LVM-3 इन द थर्ड स्टेज, ठीक है, जो CE-20 वो पावर करता है LVM-3 को इन द थर्ड स्टेज। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर द LVM-3 लॉन्च व्हीकल टू लिफ्ट अप 8 tons टू द लो अर्थ ऑर्बिट एंड मेक्स इट द व्हीकल ऑफ द चॉइस फॉर द गगनयान मिशन, ठीक है। LVM-3 के द्वारा ही गगनयान मिशन को परफॉर्म किया जाएगा। ये जो रॉकेट है दैट कैरी ह्यूमंस टू द स्पेस रिक्वायर करेगा ह्यूमन रेटिंग। दिस एंटेल्स टेस्टिंग पर्टिकुलर कंपोनेंट्स रिपीटेडली टू इंश्योर फेल्योर्स हैपन एट लेस देन पर्टिकुलर रेट। इसरो ने बताया सेड 4 CE-20 इंजन्स हैड बीन हॉट फायर टेस्टेड फॉर क्यूमुलेटिवली 8,810 सेकेंड के लिए अगेंस्ट द मिनिमम ह्यूमन रेटिंग क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड, जो कि रिक्वायरमेंट है फॉर इतना, ठीक है। तो मतलब जो रिक्वायरमेंट है 6,650 सेकेंड्स की है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं इसरो ने चेक किया है 4 CE-20 इंजन को फॉर द टाइम ऑफ 8,810 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। हाँ आप देख सकते हो जो CE-20 है इज एन इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन है, इसरो ने डेवलप किया टू यूज विद द GSLV-MK3 नाउ कॉल्ड द LVM-3 लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये बात हो गई साइंस अटैक में हमको क्या आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट था रिगार्डिंग दिस, ठीक है, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है बट हाँ है। और क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वर्ल्ड सेक्शन कुछ है नहीं अपने लिए इंपॉर्टेंट, इधर क्या है इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जो कि हमारे मोदी जी ने लॉन्च किया वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके तहत 5 AIIMS बनाए जाएंगे और सुदर्शन सेतु का लॉन्च इनॉग्रेशन हुआ है। फूड डिक्लाइनिंग के बारे में हमने बात किया, पॉवर्टी लेवल बिलो 5% नीति आयोग ने क्लेम किया, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सैरोगेसी क्या है उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से देखा, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और इसमें अवेंडन भी किया गया बाय द गवर्नमेंट, वो भी हमने देखा। और क्या इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल में, कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, ठीक है। अगला जो पॉइंट हमने देखा वो था रिगार्डिंग डिस्कवरी ऑफ टेम्पल्स इन द तेलंगाना शो स्प्रेड ऑफ द चालुक्य रीजन, ओके, बदमनी किंगडम। और इधर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, अगला जो इंपॉर्टेंट था वो हमने देखा इधर ये वाला, ठीक है, पेज पे ही मे हेम होम पेज पे हमने देखा कि हाँ ये नीति आयोग वाला था इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही था, उत्तराखंड का प्रॉपर्टी रिकवरी डैमेज हुई प्रॉपर्टी रिकवरी बिल वो हमने देखा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, ठीक है ना। तो हम लोग मिलेंगे कल, आप लोग को अगर इसकी PDF चाहिए तो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में से कोई एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ओके। और सब्सक्राइब भी कर लेना मन करिए तो, और आपकी जो विजन आई है इसकी मंथली मैगजीन्स हैं और PT-65 उसका भी एनालिसिस जल्दी ही आने वाला है, ठीक है, प्रोसेस में है काम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हम लोग मिलते हैं कल ऑन द 27th ऑफ द फरवरी 2024, टिल देन बाय बाय, हरे कृष्णा।